इतना बड़ा एक्सपोर्ट का ऑर्डर जल्दी नहीं मिलता सर जी। शुक्ला जी, पिछले साल कच्चे माल के भाव बड़े अस्थिर रहे, पता नहीं इस बार क्या होगा। अरे सर जी, 3 महीने बाद का ही ऑर्डर है, इतनी चिंता मत करिए। हाँ, मगर सामने वाली पार्टी को जल्दी बताना होगा, वरना ऑर्डर हाथ से चला जाएगा। ऑर्डर फाइनल तो कर दूं, पर सही मुनाफे के लिए ये तो तय करना पड़ेगा ना कि कच्चा माल किस दाम पर खरीदूं। अगर पहले से खरीदूं तो भाव गिरने का डर, और अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग के समय खरीदूं तो भाव बढ़ जाने का डर। अब क्या करूं, आप ही बताइए सीएफओ साहब। भाव का उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है। देश में जब कमोडिटी के भाव बढ़ते हैं तब आम आदमी को महंगा सामान मिलता है, और जब भाव गिरते हैं तो किसान को तकलीफ होती है। इससे बचने के लिए अपने कच्चे माल के एक्सपोजर को कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में हेज कर लें। और कमोडिटी हेजिंग से क्या फायदा होगा? फायदे बहुत हैं। एक्सचेंज में हमें अपने कच्चे माल का भाव पहले से देखने को मिलता है। कमोडिटी के 3 महीने बाद के दाम को हम एक्सचेंज पर अभी से तय कर सकते हैं, और तो और उसकी डिलीवरी भी ले सकते हैं। फिर आगे चल के हाजिर बाजार में भाव ऊपर जाए या नीचे हमें कोई चिंता ही नहीं है। अब कच्चे माल के दाम को लेकर मेरी चिंता खत्म हो गई, और इससे तो अपना व्यापार और भी मजबूत हो जाएगा। हाँ, और एक बात, हेजिंग का नफा और नुकसान हम अपने व्यापार के प्रॉफिट और लॉस से सेट ऑफ भी कर सकते हैं। अरे ये तो बड़े फायदे का सौदा हो गया। हम मेक इन इंडिया तो कर ही रहे, अब हेज इन इंडिया से होगा प्राइस इन इंडिया और ट्रेड इन इंडिया। सीएमओ साहब, आप 3 महीने बाद का वायदा हेज करिए, और शुक्ला जी ये ऑर्डर तो आप कंफर्म करिए। अपने व्यापार को मजबूत और स्थायी बनाने के लिए आप अपने कमोडिटी रिस्क को एक्सचेंज पर हेज जरूर करते रहें।